हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंदना ब्लॉग्स। आज मैं आपके लिए एक करी की रेसिपी लेकर आई हूँ। एक करी के लिए हमें एक गार्लिक, जिंजर, एक अनियन, ग्रीन चिली और एक टोमेटो की ज़रूरत पड़ती है। पानी मैंने चढ़ा दिया था, पानी मेरा खौलने लगा, उसमें मैंने एक को डाल दिया है उबलने के लिए। इसको हम 10 मिनट तक उबालेंगे। अंडे मेरे उबल चुके हैं, मैंने गैस को ऑफ किया कर दिया है। अब अंडे के छिकल को हम अच्छे से क्लीन कर लेंगे। अंडे के लेयर को हमने अच्छे से क्लीन कर लिया है। गैस पर मैंने पैन चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए। पैन मेरा गर्म हो गया, अब इसमें हम तेल डालेंगे। पैन में तेल मेरा गर्म हो गया, अब इसमें अंडों को हम फ्राई कर लेंगे। अब देख सकते हैं कि एक मेरे फ्राई हो चुके हैं। अब इसको हम निकाल लेंगे एक बर्तन में। ये मैंने उबले हुए आलू फ्राई होने के लिए डाल दिया है। जब भी मैं एक करी बनाती हूँ तो मैं आलू जरूर डालती हूँ, क्योंकि मेरे घर में सबको बहुत पसंद है। आप एक बार इस तरह बना के जरूर देखिए, ट्राई जरूर करिएगा। आलू भी मेरे फ्राई हो चुके, अच्छे ब्राउन हो चुके। अब इसको हम निकाल लेंगे बर्तन में। छौंक में सबसे पहले हम डालेंगे तेजपत्ता, बड़ी इलायची, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, लाल मिर्च। ये मैंने खड़े मसाले तेल में डाल दिए हैं, इसको अच्छे से भून लूँगी। खड़े मसाले मेरे भून चुके हैं, अब इसमें मैं प्याज डाल दूँगी। प्याज मेरा ब्राउन हो चुका है, जो मैंने पेस्ट तैयार किया है वो मैं पेस्ट डाल दूँगी। थोड़ा सा पानी डाल दूँगी ताकि मेरा मसाला जले ना। 2 मिनट तक मैंने इसको भून लिया, अब इसमें मैं मसाले डाल दूँ। 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 2 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, और इसको हम धीमी आंच पे अच्छे से भून लेंगे। 5 मिनट मैंने मसालों को भून लिया, अब इसमें मैं टमाटर की प्यूरी डाल दूँगी। मैं टमाटर की प्यूरी डाल दी मसाले में। 2 मिनट भूनने के बाद इसमें हम नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। 2 मिनट मैंने भून लिया, अब इसमें मैं नमक डाल दूँगी। अब देख सकते हैं कि मेरे मसालों में से तेल निकल ऊपर आने लगा है। इसको 5 मिनट तक और भूनेंगे हम धीमी आँच पर। मसाला मेरा भून चुका है, जो मैंने अंडा और आलू फ्राई करके रखा है उसको मसाले में डाल देंगे। इसको 2 मिनट तक पका लेंगे। अंडों को मैंने 2 मिनट तक मसालों साथ पका लिया है। अब इसमें मैं 1 गिलास पानी डालूंगी। पानी मेरा खौलने लगा है, इसको एक बार चला के धीमी आंच पे इसको हम ढक देंगे। अब देख सकते हैं कि मेरे करी कितना अच्छा कलर आया है। इसको एक बार चला के 5 मिनट के लिए फिर से हम ढक देंगे। जब तक ग्रेवी गाढ़ी ना हो जाए तब तक हम गैस को ऑफ नहीं करेंगे, उसको चलाते रहेंगे और ढक के पकाएंगे। एक करी मेरा बन के तैयार हो गया है, अब हम गैस को ऑफ कर दूंगी। आप देख सकते हैं कि मेरा एक करी देखने में कितना टेस्टी लग रहा है। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में जाके बताइए कि मेरी रेसिपी कैसी लगी। मैं कल फिर मिलूंगी नए वीडियो और नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।